भगवान कहते हैं सतोगुण जब बढ़ता है तो कैसे पता चलता है, हमको पता होता है कि ये करना है ये नहीं करना है, तब समझो कि कौन सा गुण आया है, सतोगुण आ गया है। मतलब हम अगर नहीं जज कर पाते हैं कि ये गलत है, हम कहां कर पाते हैं, है ना, कुछ भी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी, कुछ गलत होता है जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई नॉवल कोई डाइजेस्ट रखा होगा उसमें 10 अच्छी बातें लिखी होगी, कहीं एक गलत फोटोग्राफ लगी होगी तो वहां पर दृष्टि जरूर जाएगी, है ना। अपने आप को हम गलत देखने से रोकना ही नहीं चाहते, है ना। अच्छा कोई लिखकर हम भले सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पे कि अच्छा, अचानक से कुछ गलत आ जाता है, कभी अपने आप को रोकने का प्रयास नहीं करते कि ये तो मेरा मोटिव नहीं है, ये तो मेरा लक्ष्य नहीं, गलत आ गया है तो देख लेते हैं सुन लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपने ऊपर अत्याचार है, क्योंकि जो देखेंगे वो हमें इफेक्ट करेगा, जो सुनेंगे उसको वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है ना प्रभावित करेगा, इसलिए गलत है तो फिर नहीं देखना है, वो मुझे नहीं देखना है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते। गलत बात कहीं पर हो रही होती है ना, अच्छी बात कथा के टाइम पर तो हम उधर उधर देखेंगे, कोई आएगा तभी उधर देखेंगे, बच्चा बोलेगा तभी उधर देखेंगे, कोई जा रहा होगा तभी देखेंगे, गलत बात कहीं पर हो रही है ना तब कान के साथ साथ सारी इंद्रियों को कान बनाकर उसको सुनेंगे कि अच्छा, इतना इतना है ना कंसंट्रेशन होता है उस टाइम पर कि एक भी डायलॉग मिस ना हो जाए, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये ना गीता का श्लोक थोड़ी इतना भाव से सुनते हैं वो जो, लेकिन और अच्छा अच्छा प्रसादम में इतना आनंद नहीं आता, बाहर जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तब ये खाना है वो खाना है, जीवा को टेस्ट देने के लिए कितना ज्यादा आनंदित करने के लिए हम सोच रहे होते हैं। तो भगवान बोलते हैं सतोगुण तब है जब सारी इंद्रियों के जो दरवाजे हैं वो ज्ञान से रोशन हो जाते हैं।